स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के नवागत पुलिस कप्तान ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पद ग्रहण किया। जबलपुर के पूर्व पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह ने नवागत पुलिस कप्तान संपत उपाध्याय को जबलपुर की कमान सौंपकर पदभार ग्रहण कराया, शुभकामनाएं प्रेषित की। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत पुलिस कप्तान ने जिले के प्रति अपनी प्राथमिकता को किस तरह से स्वरूप देंगे, इन पर किस तरह की कानूनी कार्यशैली का इस्तेमाल करेंगे, इस पर चर्चा की गई। पुलिस विभाग का एक प्रमुख कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना। निश्चय ही वो सभी अधिकारियों की प्राथमिकता में रहता है और रहेगा। वो कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराधों में नियंत्रण हो, अगर कोई अपराध होता है तो उसका खुलासा जल्दी हो, अपराधी पकड़े जाएं, उनको सजाएं हों। साथ ही साथ जो संवेदनशील वर्ग हैं उनके प्रति घटित होने वाले अपराधों के संबंध में उनकी रोकथाम, इसके संबंध में प्रयास रहेगा। और महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था में क्या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सुधार हो सकता है, उसके संबंध में भी देखा जाएगा। कोई भी आपराधिक कृत्य है, चाहे चाकूबाजी है या अन्य है, उसको नियंत्रण का पूरा प्रयास रहेगा। बाकी जो स्पेसिफिक शहर की या किसी इलाके विशेष की समस्याएं होंगी, निश्चय ही अपने अधिकारियों से चर्चा करके उसके संबंध में कार्य योजना बना के उस पर कार्य किया जाएगा।